नहीं, ये जो चार रोज़ा क्रिकेट नहीं खेली है पाकिस्तानी या टीम के ज़्यादातर प्लेयर्स ने, इसमें जो टेम्परमेंट की कमी है अहमद शहजाद वो हमें नज़र आ रही है। जिस तरह अब्दुल्ला शफीक अपनी विकेट थ्रो करके गए हैं, जिस तरह सऊद शकील जो इन फॉर्म है, इतने रन उन्होंने लगाए हुए हैं, अभी रिकॉर्ड बराबर किया है उन्होंने 65 साल पुराना, ये तो बेसिक है क्रिकेट का, ख़ासतौर पर टेस्ट क्रिकेट का, कि अगर आपने क्रीज पर रुकना है तो फिर आपने वो टेम्परमेंट दिखाना है। थैंक यू दानिश। देखिए ऑब्वियसली यही बात है, चार रोज क्रिकेट अभी टाइम आएगा तो वो भी शायद हो जाएगी, बट ये कोई एक्सक्यूज नहीं है पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस का। पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज हम सबके सामने हैं और ये कितने अरसे से इसी तरह स्टार्ट है। यही चीजें दानिश हम लोग वर्ल्ड कप के अंदर भी डिस्कस करते रहे हैं, उसके बाद यू नो हमने बोला था कि आपने अगर टाइमली डिसीजन नहीं लिए और अगर लोगों से झूठ बोला तो किसी तरह की परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये हालात भी आ जाएंगे कि आप बांग्लादेश से भी इस पोजीशन में होंगे कि बांग्लादेश किसी भी टाइम आपसे आपके होम सॉइल पे जीत जाएगा। अब क्या ही बात करें किस किस चीजों की, टॉस से लेके टीम सिलेक्शन से लेके उसके बाद जो शॉट्स आपने मारी है, उसके बाद जो बॉलर्स आपके T20 वाली बॉलिंग कर रहे हैं, कोई जिस तरह प्लान नहीं है, वो घायल होता है। हम अपने पास में देखते आए हैं जब पिच से इतना कुछ परचेज नहीं हो रहा, इन दी एयर जो है आप जो डिफीट करते हैं बैट्समैन को, आप 5 बॉल 10 बॉल बाहर निकालते हैं, उसके बाद पक्का करके अंदर लेके आते हैं, आप यू नो आप वाइड ऑफ द क्रीज जाते हैं, आप बाउंसर्स में प्लान करते हैं, कोई लीडरशिप के साथ जब कुछ अंदर नहीं हो रहा होता, अपनी लीडरशिप के साथ आप डिफरेंस लेके आते हैं। हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं लगी है, हमने कोई टीम प्लेसमेंट ऐसी नहीं देखी है, हमने कोई प्लान ऐसा नहीं देखा है, और उसके बाद जब 550 स्कोर आपने उनसे करा लिया है, आपके फिर बैटिंग के वही हालात हैं। यही हम बात करते रहे हैं, बाबर आजम यू नो हम ज्यादा बात उनके बारे में इसलिए करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट वही आपके सीनियर प्लेयर है और जिस तरह 50 टेस्ट मैच उनके होने वाले हैं, और अगर आप उनके 50 टेस्ट मैच देखेंगे जो उसमें 8 सेंचुरी हैं और वो भी यू नो कुछ हद अपने होम सॉइल पे है और थोड़ी छोटी टीम के खिलाफ है, तो ये कोई इतने आउटस्टैंडिंग स्टैट्स नहीं है। उसके बाद आखिरी 14 इनिंगों में अगर आप उनके देखेंगे तो उनका एक ही 50 नहीं है, और ये लम्हा फिक्री है। मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारे दौर में 14 इनिंगों में जब किसी से स्कोर नहीं होते थे उसको 15वीं इनिंग मिलती थी कि नहीं मिलती थी। आजकल ये लोग बोलते हैं कि यू नो ईयर ऑफ फेलियर के चक्कर में प्लेयर्स को सिक्योरिटी देने के चक्कर में क्या 50-50 इनिंगों दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। फिर ये आपके मिडल में खेल रहे हैं बाबर आजम, और मिडल में टेस्ट क्रिकेट में आपको उस तरह के प्लेयर डेवलप करने हैं जो आपकी वाइड बॉल में भी मिडल में जाके परफॉर्मेंस करें और टीम में सिलेक्ट हों। अगर आपने किसी नए लड़कों को आप चांस नहीं देना और इन्हीं के साथ जाना है, और 14 के बाद 15 इनिंग होगी, शान की 28 की एवरेज है, बाबर आजम 14 इनिंग हो गए नीचे लगे हुए, तो आपके जो मेन प्लेयर्स है वो इस तरह की परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं, बट वी एक्सपेक्ट आपने जब डिसीजन लेने से दानिश आप डिसीजन नहीं लेके क्योंकि आपने फिर वही किया कि टाइम बाय कर ले, बांग्लादेश की सीरीज आ रही है, हम ये जीत जाएंगे तो अवाम का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, हमें मिल जाएगा, लेकिन ये वही था जो शॉर्ट टर्म के लिए आप चीजें कर रहे थे, जब आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए चीजें करनी थी तो आपको डिसीजन लेने से जो टीम ने ग्रुप शायद यही सोचा जा रहा था, बॉलिंग अच्छी नहीं की, वो लोग जिन्होंने बैटिंग अच्छी नहीं की, वो लोग जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की, उनको निकालना था, लेकिन आप ये नहीं कर सके, आप इसमें फेल हो गए, और पाकिस्तान का अब ये हाल आ गया कि बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ वो हमें ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश हमें हमारे ही मुल्क में मार के चला जाए। शायद ऐसा ही लग रहा था अहमद की ये सोचा जा रहा हो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है, जिन जिनको जिन पर तनकीद हो रही है उनको हम खिलाएंगे, वो रन कर लेंगे या विकेट्स ले लेंगे तो उनकी पोजीशन थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी। खैर ये एक हद तक अजम्पशन ही है, बट ये होता हमने देखा है।